कोरोना के जो केसेस पहले इन्होंने जो दिखाए थे कि 4 लाख के आसपास लोग एक्सपायर हुए हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा 40 लाख लोग जो है, जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके, उनके इतने लोग मरे हैं। तो WHO की कोई G2 रिपोर्ट नहीं है, ये जो मोदी जी है ये अपनी जो रिपोर्ट है वो छुपाने के लिए वो WHO पे आरोप लगा रहा है। WHO एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये कोई हमारे जैसे भारत सरकार की कोई बॉडी नहीं है या कोई अमेरिका की बॉडी नहीं है, इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए बॉडी बनाई है। और उसने बोला इस देश में, इस विश्व में 1.5 करोड़ लोग की डेथ हुई है जिसमें से 45 लाख लोग इंडिया के थे, और वो सच है। 120 शमशान घाट है, हर शमशान घाट में 100 लाशें डेली चल रही थी। उसका एवरेज लगा तो दिल्ली शहर में डेली 12 से 15 हजार लोग की डेथ हुई है। जब WHO कोरोना में सलाह दे रहा था तो एम्स WHO का रेफरेंस दे के देश के लोगों को बता रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज WHO की रिपोर्ट आपके खिलाफ है तो आप उसको नकारने लगते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 मौतें पूरे विश्व में से हिंदुस्तान में हुई है, जहाँ 1.5 करोड़ पूरे विश्व में हुई है, लगभग 47 लाख से अधिक 50 लाख के करीब मौत जो है वो भारत में हुई है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में सत्तासीन है, वो इस आंकड़े को 10 गुना कम करके बता रही थी। लगभग 4 लाख के करीब का आंकड़ा वो दे रहे थे, देश के सामने रख रहे थे, लेकिन इस देश ने कोरोना महामारी के दौरान शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी लाशों की कतारों को देखा है कि किस तरह से लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी 2-2, 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर। जंतर मंतर पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे, क्योंकि WHO के जो आंकड़े आए हैं उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। वो खारिज करने के बाद से ही जो है भारत सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। तो अभी इन्हीं लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ है कि क्यों यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मैम, क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? ये हम जो मोदी जी, जो हमारे मोदी जी है, ये जिस तरीके से हर डे टू डे इनके नए नए किस्से मिलते हैं, कभी झूठे वादे करते हैं ये, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, और आज हमें नया सुनने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस पहले इन्होंने जो दिखाए थे कि 4 लाख के आसपास लोग एक्सपायर हुए हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा 40 लाख लोग जो है, जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके, उनके इतने लोग मरे हैं। तो हमारी केजरीवाल, वो ये जो मोदी जी सरकार है, उनसे हमारी यही प्रार्थना, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि जो जितने लोग मरे उनको, उनके फैमिली के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। क्या नाम है आपका? प्रीति चंदे। तो प्रीति चंद्रा जी, ये बताइए कि WHO की जो रिपोर्ट आई है उसको खारिज करने के पीछे सरकार की कोई मंशा लग रही है आपको? अभी मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस ये जो WHO की जो रिपोर्ट आई है वो मुझे नहीं लग रहा कि झूठी होगी, वो सही है रिपोर्ट। और मोदी जी की जो रिपोर्ट, जो उन्होंने झूठे रिपोर्ट फैलाई है, 4 लाख के आसपास उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 4 लाख के आसपास लोग एक्सपायर हुए हैं, बट कोरोना के केसेस में 40 लाख एक्सपायर हुए हैं लोग, तो आई डोंट थिंक कि ये झूठी रिपोर्ट है। पर वो सफाई भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं है ये सब जो है WHO की, वाकई में रिपोर्ट गलत आई है। वो गलत भी साबित करने के पीछे उन्होंने जो अपने क्वेश्चंस पुट किए हैं बता रहे हैं। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रभाव पूरे विश्व के हर देश पर पड़ता है, तो वो झूठी रिपोर्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आप ये बताइए। तो WHO की कोई G2 रिपोर्ट नहीं है, ये जो मोदी जी है ये अपनी जो रिपोर्ट है वो छुपाने के लिए वो WHO पे आरोप लगा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये खारिज करने लायक है, आरोप लगा रहे हैं जी। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन मारवा है जी। अर्जुन जी, तो फिर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि मतलब कि कुछ सियासत हो रही है आंकड़ों को लेकर? देखिए, मोदी जी जब से आए आज तक वो सियासत ही कर रहे हैं, वो चाहे जो बुलडोजर चल रहे हैं वो देख लीजिए, या ये कोविड की जो डेथ के नंबर्स थे वो देख लीजिए। मोदी जी ने असलियत अब वो बोल रहे हैं ये WHO की रिपोर्ट ही नकली है, ये तो नहीं हो सकता। WHO एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये कोई हमारे जैसे भारत सरकार की कोई बॉडी नहीं है या कोई अमेरिका की बॉडी नहीं है, इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए बॉडी बनाई है। और उसने बोला इस देश में, इस विश्व में 1.5 करोड़ लोग की डेथ हुई है जिसमें से 45 लाख लोग इंडिया के थे, और वो सच है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को सच मानना चाहिए, दूसरी उनको अपनी गलती माननी चाहिए, हाँ मैं गलत था। सिर्फ जी जिन लोगों के घरों में किसी की मृत्यु हुई है, क्योंकि उनका दर्द वही जानते हैं, जिसके घर में डेथ होती है उसका दर्द वही जानते हैं,
तो उसी को देखते हुए उनको आर्थिक मदद सबसे पहले देनी चाहिए और उसके बाद बाकी किसी तरीके की मदद देनी चाहिए। हमारी मांग बिल्कुल सिंपल है, हम कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बना रहे, हम ये नहीं कह रहे आपने ऐसा क्यों करा, क्या करा, किस लिए करा, लेकिन हाँ आपने करा है, अब आप उसका भुगतान करिए। और इसी वजह से इन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर भी हटाया उस टाइम, क्योंकि ये समझिए कोरोना संभाल ही नहीं पाने लगा, कुछ होएगा नहीं। लेकिन जब इन्होंने इम्पैक्ट देखा तो इतना था, इन्होंने कहा कवर कर लो। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में 120 शमशान घाट है, हर शमशान घाट में 100 लाशें डेली चल रही थी, उसका एवरेज लगा तो दिल्ली शहर में डेली 12,000 से 15,000 लोग की डेथ हुई है, और ये बोल रहे हैं 1500 आदमी की डेथ हुई है, तो मैच ही कुछ नहीं कर रहा। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट, दिल्ली का इम्पैक्ट पूरे देश में जाता है, उस वजह से उसको छुपाने के लिए इन्होंने जितने कोविड की डेथ हुई उन सब में एकदम इनटू डिवाइड बाय 10 कर दिया। मतलब अगर एक दसवां इन्होंने सच्चाई बोला, बाकी इन्होंने सब बोल दिया, सब झूठ है कि हुआ ही नहीं है। जो भी आदमी इसके घर में कुछ हुआ उसको बोले तो हार्ट अटैक से डेथ हुई, हार्ट अटैक, किसी ने बैकलॉग नहीं देखा उसको कोविड था उस वजह से हार्ट अटैक आया, बोलो हार्ट अटैक से हुआ। जिन लोगों के घर में डेथ हुई है उनको कोई वो किसी काउंट में ही नहीं है। इस तरीके से इन्होंने नंबर्स मैनिपुलेट करें, क्योंकि डॉक्टर्स इनके, हर चीज इनके, हॉस्पिटल इनके, तो बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर पाए, लेकिन हाँ ये WHO को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और उन्होंने सच्चाई बोली और उसी उसमें आज हम बैठे हैं, मांगते हैं कि भैया अपनी गलती मानो और जो लोगों के ऊपर जो जिसको दुख पहुंचा है उसको आर्थिक मदद सबसे पहले, और उसके बाद जो उसको अन्य मदद चाहिए वो करें। अच्छा, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर्स है, लिखा है सामने, सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाए। आप सामने ये पोस्टर्स देख सकते हैं, सीधे सीधे लोग बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर। अभी और भी लोगों से हम जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रणविजय जी। रणविजय नाम जी। रणविजय जी, अभी जिस तरीके से ये मुद्दा अभी गहमा रहा है, तो क्या कुछ सियासत हो रही है, ये क्या सियासी कदम उठा रहे, मतलब आप विपक्षी हैं तो मतलब इसलिए यहाँ पर आ गए हैं? देखिए, हम इस चीज़ों पे कोई बड़ी राजनीति नहीं करना चाहते, एक छोटी सी हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है कि देश से सच्चाई ना छुपाई जाए। हमारा भारत सरकार से दो ही सवाल है कि 47 लाख लोग, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 47 लाख लोग कोरोना काल में मृत्यु हुई है, और भारत सरकार कहती है 4.5 लाख। इतना बड़ा अंतर, इन आंकड़ों को क्यों छुपाया गया? और दूसरा, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ आप WHO की सलाह पर मोदी सरकार देश में लॉकडाउन लगाती है, कैसे कोरोना से लड़ता है उन चीज़ों को WHO के थ्रू रेफरेंस देके हमें बताती है, और दूसरी तरफ जब WHO आंकड़े पेश करता है तो उसको नकारती है। पूरा विश्व WHO की तरफ देखता है और WHO से जो सलाह मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और आज मोदी सरकार क्योंकि उन पे इशारे उंगली उठ रही है तो उसको नकार रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। हमारी मांग है कि कोरोना कारण में बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और आज महंगाई बेरोजगारी चरण सीमा पर, उनको देखते हुए जिन लोगों की मृत्यु कोरोना कारण में हुई है, अगर वो उस परिवार के मुखिया हैं तो उन परिवारों को 1 मर्ज से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये यूथ कांग्रेस की मांग। अच्छा, एम्स भी जो है WHO की रिपोर्ट को है नकार रही है, क्या कुछ मतलब मिली जुली चल रहा है? सब अपनी सहूलियत के हिसाब से चल रहा है। जब WHO कोरोना में सलाह दे रहा था तो एम्स WHO का रेफरेंस दे के देश के लोगों को बता रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज WHO की रिपोर्ट आपके खिलाफ है तो आप उसको नकारने लगते हैं। इस राजनीति की समझ हमसे परे है, तो हमें मानना है कि मोदी सरकार शुरू से झूठ बोलते आई है। अगर कोरोना काल में उनके देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी इतना ही अच्छा काम किया तो क्यों उनको हटाया गया? कोई काम है, ऑप्शन दिया जाता है ना कि हटाया जाता है। अंदर अंदर उनको भी पता है कि देश में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो इस फिगर को देश की जनता से छुपाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, 2024 में लोग अपना जवाब देंगे। जी, आपका क्या नाम है? प्रियंका चंदेलिया। जी प्रियंका जी, ये बताइए कि ये जो मुद्दा अब उठा है, अब इसको लेकर कहाँ पर जाएंगे? अब कहाँ पर? अभी यहाँ बैठे हैं आप। हम तो जनता की मांग उठाते रहेंगे, अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, जैसे जैसे जनता की नीड होगी हम करेंगे। नहीं मतलब जिस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से बोला जा रहा है, तो सरकार को लगातार जो है घेरा जा रहा है, क्या मतलब आप लोग भी कुछ ऐसा सियासी कदम उठाने के लिए सियासत कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता का साथ दे रहे हैं, उस जनता का साथ दे रहे हैं जिन्होंने अपने को खोया है, अपने लोगों को खोया है, हम सिर्फ उनके साथ हैं। हम सिर्फ उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि आप उनको 4-4 लाख रुपये मुआवजा दीजिए, ताकि जिनके अपने चले गए उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए।
तो भारत सरकार को लगातार घेरा जा रहा है क्योंकि सरकार तो अपने दावे कर रही है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कोविड के इतने जो है जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो किए जा रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल्स में इस तरीके की प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं, टीके लग रहे हैं, सब कुछ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, फिर भी जो है इस तरीके की आ रही है। कुछ सोच के ही जो है भारत सरकार ने इसकी रिपोर्ट को नकारा होगा। मैम सोच के ही नकारा है मैं मानती हूँ, लेकिन ये है कि आप देखिए इन्होंने रिपोर्ट कैसे दी है। आप झूठे फेक मैसेजेस किसी के भी नाम से किसी के भी नंबर पे भेजे गए हैं, तो ऐसे करके आप रिपोर्ट बना देंगे तो वो तो सच हो नहीं सकती है, वो तो सब कुछ फेक ही है। तो सरकार क्या, सरकार झूठी है, सरकार के दावे झूठे हैं बस। चलिए अभी और भी लोगों से जानते हैं, हाँ आ जाइए उनके और भी लोगों से जानते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राव है। राहुल राव जी, अब ऐसी क्या मतलब समस्या आन पड़ी कि आपको यहाँ बैठना पड़ा और WHO की रिपोर्ट जो है उसको नकार रही है भारत सरकार? ये तो आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए, आप भी इसी देश के नागरिक हैं, कि किस तरह से विश्व के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी की त्रासदी आई और किस तरह से लोगों ने अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, और WHO की रिपोर्ट के अनुसार एक तिहाई मौतें पूरे विश्व में से हिंदुस्तान में हुई हैं, जहां 1.5 करोड़ पूरे विश्व में हुई हैं, लगभग 47 लाख से अधिक 50 लाख के करीब मौत जो है वो भारत में हुई है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में सत्तासीन है, वो इस आंकड़े को 10 गुना कम करके बता रही थी। लगभग 4 लाख के करीब का आंकड़ा वो दे रहे थे, देश के सामने रख रहे थे। लेकिन इस देश ने कोरोना महामारी के दौरान शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी लाशों की कतारों को देखा कि किस तरह से लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी 2-2, 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। इस देश की जनता ने गंगा में तैरती हुई लाशों को देखा है, तो इस देश की जनता को तो अंदाज़ा है और एहसास पहले से था कि लगभग 50 लाख से अधिक की मौत जो है वो यहाँ हुई है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और सरकार के लोगों में इस देश की जनता के प्रति संवेदना होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की आजीविका चलाने के लिए, उन लोगों को सम्मान और सहायता की राशि के रूप में 4 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। किसी परिवार में आजीविका चलाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसने अपना जीवन खो दिया, परिवार के अंदर 4 लोग थे, 2 लोगों की मौतें हो गई। तो आज जहां एक ओर महंगाई और बेरोजगारी की मार ये देश झेल रहा है, दूसरी ओर कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने परिवारों को खोया, तो देश के अंदर इस तरह की परिस्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करे। वो लगातार मदद की बात तो कर रहे हैं, मदद भी हो रही है, मगर आप लोग कौन सी मदद हो रही है बताइए, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं भारत सरकार पूरी पूरा पूरा दावा करती है, आप उनका दावा लगा के कह रहे हैं, आपको आप बताइए, मैं आप मेरे सामने अगर आप उनका पक्षकार बन रहे हैं तो आप बताइए ना कौन। नहीं, मैं पक्षकार नहीं बन रही हूँ, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष ही पत्रकारिता कर रही हूँ, मगर जिस तरीके से वो जब भी महामारी देश में आती है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एकता के साथ, क्योंकि ये देश हमारा है, हम अलग अलग वैचारिक दल से हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल से हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई त्रासदी इस देश में आती है तो हमें एकजुट होकर, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, उसमें आप भी हैं, सभी राजनीतिक दल भी हैं, कि हम देश की मदद करने के लिए, देश की सहायता करने के लिए एकजुटता के साथ खड़े रहें। तो टीका तो लगातार लग रहा है, लोगों को जो है बराबर दिया जा रहा है। ये टीके की बात नहीं, ये तो उन लोगों को बचाने की बात है जिन लोगों का जीवन अभी है, जिन लोगों का जीवन चला गया उन लोगों के लिए क्या, ये बात उन लोगों की हो रही है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने परिवार के अंदर आजीविका चलाने वाला एक व्यक्ति था और वो एक व्यक्ति खो दिया, जिनके वृद्ध माँ बाप हैं और वो उनका एक लौता बेटा था, किसी में आजीविका चलाने वाला एक था, वो सब कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी में सब परिवारों ने कहीं ना कहीं नुकसान को झेला है। तो हमारी यही मांग है कि उन पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। जहाँ तक टीके की बात है, टीका उन व्यक्तियों के लिए जो आप और हम आज जीवित हैं, कि कोई और त्रासदी ना हो, कोई और बड़ी महामारी की चपेट में ना आए, उनके लिए। तो मृत्यु के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसको तो वो नकार रही है, कुछ सोच के ही नकार रही होगी, क्योंकि एम्स भी जो है उसके आंकड़ों को नकार रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनविरोधी सरकार है, लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम ये सरकार करती है, चाहे वो आंकड़ों की बात हो, ये बात आंकड़ों की नहीं है। WHO की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया, जब बहुत सारे फैसले जब आप लेते हैं तो आप WHO की रिपोर्ट को आधार बनाते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर WHO की रिपोर्ट को माना जा रहा है, तो क्योंकि एक तिहाई मौत हिंदुस्तान में हुई है, तो आपको उससे छुपना नहीं चाहिए, आपको सामने आके उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। और ये देश की जनता जान रही है, हमने गंगा में बहती लाशों को, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, बहते हुए देखा है,
जिस तरह से पीड़ित परिवारों को संघर्ष करते देखा है, शमशान घाटों के बाहर लाशों की लंबी कतारों को देखा है, तो ये देश जानता है कि हमने लाखों लोगों को खोया। मगर योगी जी तो पूरा पूरा दावा करते हैं कि इस तरीके का कोई लाशें नहीं तैरी है, सब कुछ सही हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिले थे, वहाँ प्रोवाइड हुए। जिम्मेदार युवा है इस देश के, ये राजनीति का और पत्रकारिता के विषय की बात नहीं है, ये विषय ये है कि सबने देखा है गंगा में लश्करी तारों को, किसने नहीं देखा, किस तरह से फोटोज आई है, अखबारों में छपी है, आप जैसे साथियों के चैनलों में प्रकाशित हुई, तो हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। देश की जनता निष्पक्ष तौर पे जानती है, आंकड़ों को छुपाने की बात और इसमें बड़े और छोटा होने की बात नहीं, आगे आके अपने देश के नागरिकों की मदद करने की। सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी, लगातार जो सरकार ये बोलती विपक्ष हारता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए विपक्ष जो है कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर जो है बैठ जाता है। हम कहते हैं पक्ष हारे विपक्ष हारे ये अलग बात है, ये मुल्क नहीं हारना चाहिए, ये देश नहीं हारना चाहिए, इस देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि हमारा देश खड़ा रहे इस तरह की महामारी और त्रासदी में। राजनीतिक वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी इस देश की मजबूती के लिए, एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लोगों की मदद के लिए, इस देश के पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए, सहायता के लिए हम सबको एकजुट होकर आगे आना होगा, यही हमारी जिम्मेदारी है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान हैं, लेकिन त्रासदी में महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के लिए सहायता करने में कोई राजनीति नहीं। सर आगे अभी फिर यहाँ बैठने के बाद क्या कुछ कदम रहेंगे आप लोगों? लगातार भारतीय कांग्रेस जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करती है, लगातार जनभावनाओं के साथ चलने का काम करती है, हर सरकार के जन विरोधी फैसलों का विरोध करती है। हम अपनी विपक्ष की भूमिका जो है उसको निर्वहन करते हैं और लगातार हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। चलिए शुक्रिया। अभी हमने इन्हीं लोगों से जाना कि किस तरीके से WHO की रिपोर्ट को नकार रही है भारत सरकार। अब भारत सरकार के ऊपर लगातार विपक्षी दल जो है हमला बोल रहे हैं, उस पर हमला कर दिया है और आरोप भी लग रहे हैं, मगर इस सब से क्या भारत सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? क्या वाकई में ये आंकड़े जो बताते हैं, क्या वाकई में सत्यता को जो है प्रतीत करते हैं? वही सब सच्चाई की पत्रकारिता को लेकर मैं ऐसे ही आती रहूंगी आपके सामने, जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़ नई दिल्ली।